बिहार में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। बुधवार को 4 और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 539 हो गई है। बिहार सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। नए मरीजों की पहचान पूर्णिया, मधुबनी, शिवहर और पटना में हुई है। इससे पहले 5 मई को कोरोना वायरस के 7 नए मरीज सामने आए थे। इसमें कटिहार में 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। लेकिन इस सब के बीच राहत की बात ये है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने होने की रफ्तार में कमी आई है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने आंकड़े जारी कर इसका दावा किया है। उनके मुताबिक राज्य में पहले 7 दिनों में कोरोना केस डबल हो रहे थे, लेकिन फिर ये 4 दिनों में होने लगे थे और अब 9 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं, जो बिहार वालों के लिए राहत की बात है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों को 3 जोन में बांट दिया है, जिसमें गया को रेड जोन में रखा गया है। इसे लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि गया में पिछले 11 दिनों से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। 25 अप्रैल को यहां आखिरी केस मिला था। जिले में अब तक सिर्फ 6 मरीज मिले, जिसमें से 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके बावजूद गया को रेड जोन में क्यों रखा गया, इस पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। न्यूज़ डेस्क।